दिवस के अवसर पर संकल्प रैली निकाली गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्याय के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा व कार्यकारी अध्यक्ष विपिन खुराना एवं निर्मोही अखाड़ा गोवर्धन के महंत सीताराम दास ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी कि आने वाले 6 दिसंबर शौर्य दिवस पर संकल्प रेल मथुरा से बनारस तक निकाली जाएगी, जिसमें करीब 500 वाहनों के साथ हजारों लोग रहेंगे। रैली की जानकारी देते हुए महंत सीताराम दास ने बताया कि संकल्प रैली 6 दिसंबर को यात्रा पहले दिन अयोध्या पहुंचेगी, दूसरे दिन बनारस पहुंचकर पैदल यात्रा करेंगे, जिसमें आगे गौ माता फिर साधु संतों के साथ निर्मोही अखाड़ा के महंत व श्री कृष्ण जन्मभूमि के न्यास के पदाधिकारियों होंगे। महंत सीताराम दास व विपिन खुराना ने बताया कि इस संकल्प यात्रा के माध्यम से हम सरकार के सामने 4 मांगे रखेंगे, जिनमें से गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि व काशी विश्वनाथ से हटाकर 23 दिसंबर 2023 तक हिंदुओं को सौंपी जाए। तीसरी मांग में सरकार के नियंत्रण में जितने भी मंदिर हैं उनको मुक्त कर वैदिक बोर्ड का गठन किया जाए। और चौथी प्रमुख मांग, भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए व हिंदू राष्ट्र का नया संविधान बनाया जाए, आदि 4 मांगे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। महंत सीताराम दास ने बताया कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो श्री कृष्ण योगीराज थे और अपनी योग साधना से अच्छे अच्छे असुरों को मोक्ष दिया था सरकारी ने। अगर हमारी मांगे मर्यादित रवैये से नहीं मांगी तो श्री कृष्ण के गीता उपदेशों मन कर्म वचनों में उतारने हुए अपने आराध्य देवों के मंदिरों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए इतिहास को दोहराया जाएगा। डीडी शर्मा मथुरा समाचार 24।